आप देख रहे हैं के मास न्यूज, हर समय आपके साथ। कुमार जय भीम, राम राम, दुआ सलाम। इस समय मौजूद हैं आजमगढ़ जिले के फूलपुर तहसील के अंतर्गत नाहरपुर से जाने वाला रास्ता हेमती दनियालपुर का है ये रास्ता। क्या दिक्कतें हैं बताइए? दिक्कत क्या है, आज कितने साल से रोड पे, यहाँ से सोमाडी तक रोड पे देखिए, आप खुद देखिए इतना बड़ा बड़ा डग्गर पड़ा है, कौन है देखिए। ये रोड कहाँ से कहाँ तक जाता है? अंबारी से लेकर पवई तक। अंबारी से लेकर पवई जाने वाला मार्ग टूट गया है। हाँ, यहाँ लोगों को जाने आने के लिए काफी दिक्कतें होती है। नाहरपुर से कितना दिन से ये रोड टूटा हुआ है? ये रोड खाली यहाँ से अंबारी से यहाँ नाहरपुर पुल तक, पच्छू वाले पुल तक बनता है। मांग क्या है रोड के बारे में? बना दे सब लोग रोड एकदम फर्स्ट क्लास बन जाए आने जाने के लिए, ताकि दिक्कतें ना। नाहरपुर से हेमती तक। नाहरपुर क्या दिक्कतें हैं आपके बताइए? दिक्कतें है कि आपको फोटो नहीं, नाहरपुर से हेमती तक जो सड़क गई है अंबारी से वो खड़ गई है, न विधायक सुन रहे हैं न सांसद सुन रहे हैं, आने जाने में बहुत परेशानी है जनता को। सरकार के तरफ से कोई योजना? सरकार तरफ क्या योजना जो आई है अपना लगवा रहे हैं। कितने दिन से सड़क टूटी हुई है? सड़क तो टूटी हुई है कम से कम तो 10 साल हो गया, 10 साल, 10 साल, 10 साल से सड़क टूटी हुई है, अभी तक बन नहीं पाया। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? हम लोग रोड बनवाना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? अच्छा, क्या चाहते हैं कुछ रोड विकास नहीं, विकास के बारे में पूछिए। विकास के बारे में बताइए। माने ये है कि हमारा ये भाजपा सपा वाले जी और ये भाजपा वाले सब तो ठीक किए हैं जी, फोटो लेते रहना जी, कोई बात नहीं। जैसे अपना आरक्षण तो 24 घंटे में पारित कर लिए, हमारे 17 महीने लग गए, नहीं आरक्षण अभी तक मिल पाया। अच्छा, विकास क्या बात है? मतलब आप सरकार की दोष दे रहे हैं कि आरक्षण जो है हमारा आरक्षण नहीं सरकार दे रहा है। आपका नाम क्या है? हमारा नाम राजदेव है निषाद। कहाँ के रहने वाले हैं? खेमीपुर ग्राम सभा। 2022 में चुनाव, आप इस पे क्या कहना चाहते हैं? अब उसको हमारा जैसा मुखिया कहेगा, गठबंधन है हमारा, आरक्षण है तो गठबंधन है जी।